व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। 175 GB का गेम, वाओ। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैंने आज तक अपने चैनल के इतिहास में इतना बड़ा गेम आपको कभी नहीं दिया होगा। ऑलमोस्ट 200 GB का गेम है गाइस ये। तो वीडियो स्टार्ट करें। नहीं तो ये है दोस्तों हमारा गेम और काफी बड़ा गेम है यार। मैं इसको प्ले करने वाला हूँ राइजन 5 3600 और ग्राफिक कार्ड जो है हमने लिया है GTX 1650। मैं जानता हूँ ग्राफिक कार्ड बहुत छोटा है बट हम लोग इसी में प्ले करने वाले हैं। और मैं जो है दोस्तों अभी यूरोप सर्वर पे प्ले कर रहा हूँ। अच्छा चल जाता है यार, लेकिन हाँ तीनों सर्वर में मैंने देखा सर्वर डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले तो आप लोग मेरा नाम देखो, टीएल स्क्विड। इतना अजीब सा नाम है यार, मेरे को यहाँ ना दानिश लिखना था और यही मेरे गेम में भी यही नेम है। वैसे यार आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना 175 GB का गेम करके, तो मैं आपको ना सबसे पहले तो गूगल पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो गूगल पे ऑफिशियली मेंशन है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन का साइज, देख सकते हो 175 GB करके। तो ये सब तो बेसिक सी बातें हो गई, तो जल्दी से मैं गेम को ओपन करके दिखा देता हूँ और हमें जो हमारा 1650 ग्राफिक कार्ड है उसके साथ हमें इस गेम का कैसा ग्राफिक मिलने वाला है उसको भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट गाइस, हमारा जो एक्चुअल गेम है वो ओपन हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग ओपन होते हुए देखो क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं दोस्तों जिसके पास पीसी या लैपटॉप नहीं होता है और उनको पता नहीं होता है कि ये गेम कैसा होता है और किस प्रकार से ओपन होता है। और हाँ, इसके ओपनिंग का साउंड भी आप लोग सुन सकते हो, बहुत धासु साउंड है। तो सुन लिया ना आप लोगों ने? नहीं। तो ऑलराइट गाइस, आप सब लोग अपने गेम को जब पहली बार ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली अपने बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि जो आइट साइड के उसको परचेस करना होगा दोस्तों, और बीच का जो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन करके लिखा है वही सिर्फ हमको फ्री देखने को मिलता है। तो हम लोग जल्दी से उस पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम दोस्तों अपने गेम के लॉबी पे आ चुके हैं, तो इसको हम सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। और देख सकते हो यहाँ पास हमारा जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब के सब मोड्स है दोस्तों, और नीचे मैं आपको प्रैक्टिस का एक मोड देखने को मिल जाता है। और साथ ही में दोस्तों मैंने जो है FPS को भी ऑन कर दिया है क्योंकि हमको जो है जानना है कि 1650 में कितना FPS हमको देखने को मिलता है और कैसा हमें परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये ग्राफिक कार्ड। तो जल्दी से गाइस मैं जो है अपने एक गेम का एक मैच लगा देता हूँ और हमारा पिन आप लोग देख सकते हो 144/145 का हमारा पिन है। और हाँ, मैंने जब इसको अमेरिका सर्वर पे इसको प्ले किया अमेरिकन सर्वर पे तो हमारा जो पिन है वो 200 के ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने यूरोप को सेलेक्ट किया है। किसी किसी का अच्छा चलता है यार एशिया यूरोप इनमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ। अगर आपके पास भी GTX 1650 है तो आप लोग मेरा जो ग्राफिक कार्ड है उसको कॉपी कर सकते हो, ग्राफिक सेटिंग है उसको। और दोस्तों मैं तो आप लोगों को एक बात बताना ही भूल गया, इस गेम को मैंने जो है 120 GB पे डाउनलोड किया हूँ क्योंकि दोस्तों इसके अंदर में जो और डाउनलोड करने का डेटा रहता है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसके अंदर में। और जो हमारे प्री परचेस वाला जो ऑप्शन था पहले उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसको मिला के 175 GB का ये जो कंप्लीट गेम है वो बन जाता है। हाँ, बट अभी के टाइम में इस गेम का डाउनलोड साइज 120 GB के आसपास है। और दोस्तों इसमें अभी आपको बैटल पास देखने को मिलेगा जिसको आप लोग परचेस करके इन सभी चीजों को अनलॉक कर सकते हो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और आपको चैलेंजेस के नाम पे भी बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलता है दोस्तों, डेली की चैलेंजेस देखने को मिलता है जिसको आप लोग कंप्लीट करके बड़े आराम से रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हो। और दोस्तों जब आप लोग इसमें बैटल रॉयल का मैच लगाते हो तो आपको नॉर्मली 100 प्लेयर देखने को मिलता है, लेकिन इस गेम में दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन में आपको 150 प्लेयर्स देखने को मिल जाता है दोस्तों। और अभी के टाइम में दोस्तों आपको इसमें एक इवेंट देखने को मिलेगा टर्मिनेटर करके, अगर आप लोगों ने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी तो आप लोग इसको देखते ही पहचान जाओगे। इसमें दोस्तों आपको टर्मिनेटर का काफी अच्छे अच्छे वेपन एंड बंडल देखने को मिलता है जिसको आप लोग इजिली परचेस करके अनलॉक कर सकते हो। तो ऑलराइट गाइस, हमारा जो गेम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं इसकी लॉबी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको गेम का जो हमारा एक्चुअल मैच
मैप है उसी का लॉबी देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे दूसरे गेम में होता नहीं है गाइस, जिसमें आपको अलग से एक लॉबी देखने को मिलता है फिर मैप देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल फ्री फायर। और तो और दोस्तों, इसमें आप लोग जब लैंडिंग करते हो तो आपको इसमें एक रियल प्लेयर टाइप देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग रियली में जब जंप करोगे तो आप लोग जब हवा में रहोगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा कुछ देर के लिए, और पैराशूट ओपन करते ही आपको सांस अच्छे से आने लगेगा और आप लोग अच्छे से देख पाओगे, वैसा ही कुछ इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। और तो और दोस्तों, इसमें आपको गांव से लेके सिटी तक, कंप्यूटर से लेके मोबाइल तक सभी चीजें इसमें देखने को मिल जाता है इस गेम के मैप में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ गांव एरिया पे है अभी, विलेज एरिया पे। और दोस्तों, इस गेम में आपको मैप तो देखने को मिलेगा ही बहुत बड़ा, साथ ही साथ इसमें ना आपको हर जगह पे एनिमी देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आप लोग इस गेम में बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। अब गाइस, आप लोग देखने वाले हो इस गेम का एक्चुअल ग्राफिक। गाइस, ये जो सीन था अभी आप लोगों ने देखा, ये कोई मूवी का सीन नहीं है बल्कि एक्चुअली रियल ग्राफिक है इस गेम का। आप लोग मेरे को कमेंट में जाके बताओ कि आपको इस गेम का ग्राफिक कैसा लगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इस गेम में जो आग लगा है और जो धुआं निकल रहा है वो एकदम रियल ग्राफिक है दोस्तों इसका, मतलब एकदम रियल आग के जैसा, और जैसे कि आपको रियल प्लेन में आपको देखने को मिलता है किस प्रकार से उसमें आप लोग जंप करते हो, अपने जो स्काई डाइविंग करते हो उसमें, बिल्कुल उसी प्रकार से इस गेम में आप लोग जितने भी प्लेयर है उसको जंप करते हुए भी आप लोग एक्चुअली में देख सकते हो। और दोस्तों, हमने भी जो है अपना जंप कर दिया है, तो जल्दी से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ दोस्तों और सीधे नीचे चलते हैं हम लोग। तो काफी तेजी से हम लोग लैंड कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें भी आप लोग फॉर्टनाइट की तरह अपने जो पैराशूट है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। और देखो, उतरते ही मेरे को किसी ने मारने स्टार्ट कर दिया, यार भागो भागो पहले तो। ओ दोस्तों, आपने एनिमी को देखा, वो रहा वहां पास, जल्दी से मेरे को ना वेपन वगैरह लूटना पड़ेगा। ओके, सामने मुझे MP40 की तरह एक वेपन दिख गया है। अरे यार, मेरा पिन के कारण वेपन भी लेट से उठ रहा है। तो चलो चलते हैं अपने एनिमी को खत्म करने। तो ओके, वहां पास से, अरे यार मेरा सारा बुलेट मिस हो गया, सिट, और एनिमी ने हमको मार दिया। बट गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको अभी एक केज में ले जाया जा रहा है, और मैं जल्दी से इसको स्किप कर देता हूँ। बेसिकली हमको यहाँ पे जो एक और प्लेयर रहेगा वो भी हमारी तरह इसी ले जाया गया होगा, तो उसको हमें फिनिश करना है। इसके बाद हम लोग अपने गेम को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर उसने हमें फिनिश कर दिया है तो या तो हम उसका गेम प्ले देख सकते हैं या तो सीधा बैक चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उस प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा, और आप लोग तो जानते हो गाइस मेरा गेम कितना कच्चा है इस गेम में, क्योंकि मैंने इसे अभी अभी इंस्टॉल किया है। ओ भाई पीछे से पेल दिया यार, सिट। तो गाइस यार, अब उसको देखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने अपने गेम को जो है वो बैक कर लिया है, और हम लोग अब दोस्तों किसी और मोड को ट्राई करने वाले हैं। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं दोस्तों रिबर्थ ऑफ द डेड। तो इस मोड में होता यह है दोस्तों कि हमको 40 या 50 प्लेयर के साथ एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है, जिसमें हमको ज़ॉम्बीज भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमको एक रियल प्लेयर भी देखने को मिलता है। तो हमको ज़ॉम्बीज और रियल प्लेयर दोनों को फिनिश करना होता है, और जो हम लोग आपस में रियल प्लेयर को करेंगे उसको ही सेकंड चांस मिलता है दोस्तों, और वो ज़ॉम्बी बन जाता है, मतलब कि जो रियल प्लेयर है वही ज़ॉम्बी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं, लेकिन मरने के बाद। ओह, आई सी। तो गाइस, हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो गया है, और आप लोग देख सकते हो रिबर्थ ऑफ द डेड में हमें हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है और बैटल रॉयल में हमें प्लेन देखने को मिलता है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है दोस्तों, इतना बड़ा गेम है और इतना अच्छा हाई क्वालिटी ग्राफिक देखने को मिलता है। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आपके पास RTX 3080 या 3090 होगा ना, तो आराम से 4K में आप लोग इसको प्ले करोगे तो भाई मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस यार, हमने बातों ही बातों में लैंडिंग भी कर लिया है, तो जल्दी से जाके हम लोग अपने लिए कुछ वेपन लूट लेते हैं। और मेरे हाथ में पिस्टल है दोस्तों। अरे यार एनिमी, अरे यार उसके पास एक राइफल था और मेरे पास सिर्फ पिस्टल। वो देखो, उसने पहले ही छत पे लूट लिया था। यार इस गेम में अपना किस्मत ही खराब है, देखो ना तो बैटल रॉयल में टिक पाए ना ही इसमें ज़ॉम्बी वाले मोड में। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे पास सेकंड चांस है, हम लोग अब ज़ॉम्बी बन के नीचे उतरने वाले हैं, और हमको पैराशूट की जरूरत नहीं है दोस्तों, वैसे भी मरा हुआ है ज़ॉम्बी, अधमरा है तो और कौन सा। दोस्तों, ज़ॉम्बी बनने के बाद भी आप लोगों के पास काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है, जैसे कि आप लोग किसी प्लेयर को फिनिश करो। मैंने तो एक दो बार इसमें प्लेयर को फिनिश भी किया हूं। इसमें आप ग्रेनेड वगैरह भी डाल सकते हो और हाई जंप वगैरह,
बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में ग्रेनेड है और ये मैंने फेंक दिया। दोस्तों ज़ॉम्बी बनने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो पूरा रेड दिखने लगेगा, मतलब आपको पूरा ही रेड दिखाई देगा क्योंकि आप लोग ज़ॉम्बी बन चुके हो दोस्तों। बट अच्छी बात ये है दोस्तों, आपको एनिमी दूर से ही रेड रेड दिख जाएगा जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। बट दोस्तों हमारा तो किस्मत ही खराब है, देखो ग्रेनेड भी मिस हो गया। सो आई होप दोस्तों मैंने इस गेम का सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ लाइक दी वीडियो, और चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।